आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सबसे महंगी मुद्रा किन देशों की है जो डॉलर से ही महंगी हो। यदि से किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करेंसी किस देश की है तो अधिकतर लोग महाशक्ति अमेरिका का ही नाम लेंगे। इसका कारण ये है कि अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, तो सबके दिमाग में अमेरिका के डॉलर का ही नाम आता है। यदि आपके दिमाग में भी यही है कि अमेरिका है तो फिर आप गलत हैं। हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे महंगी मुद्रा किस देश का है। कुवैत। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कुवैत का। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दिनार है। एक दिनार जहां 3.32 डॉलर के बराबर होती है, वहीं भारतीय मुद्रा से इसकी तुलना करें तो एक दिनार 222 रुपये की होती है। फिर है बहरीन की। बहरीन दिनार को दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मुद्रा का दर्जा प्राप्त है, जहाँ एक बहरीन दिनार 2.65 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं भारतीय रुपये में देखें तो एक बहरीन दिनार 177.55 रुपये के आसपास है। फिर है ओमान। तीसरे नंबर ओमान का रियाल का आता है, रियाल, जहाँ एक रियाल 2.60 डॉलर के बराबर होता है। वहीं इसकी भारतीय मुद्रा की तुलना अगर किया जाए तो एक रियाल 174 रुपये के आसपास होता है। फिर है ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसकी मुद्रा पाउंड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। बता दें कि एक पाउंड 1.30 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। वहीं भारत में इसकी कीमत 87.01 प्रति पाउंड है। फिर है यूरो। यूरोप की मुद्रा है यूरो। एक यूरो 1.12 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं भारतीय रुपये से इसकी तुलना करें तो एक यूरो 75.04 रुपये का होता है। फिर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा की बात करें तो एक स्विस फ्रैंक 1.03 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं भारतीय रुपये से इसकी तुलना करने पर एक स्विस फ्रैंक 69.01 रुपये हो जाता है। फिर है लीबिया। लीबिया की करेंसी दिनार है। एक लीबिया दिनार 0.72 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं भारतीय रुपये से इसकी तुलना करें तो एक लीबिया दिनार 48.24 के बराबर है। फिर है ब्रुनेई। अब ब्रुनेई की मुद्रा की बात करें तो एक डॉलर की कीमत अमेरिका के 0.74 डॉलर के बराबर होती है। अगर आप भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो एक ब्रुनेई डॉलर 49.58 रुपये का होता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।